केवल बड़े सपने देख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि तुम उस काम को करने के लिए तैयार ना हो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। इस दुनिया का हर एक व्यक्ति सोचता है कि उसे कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे दुनिया देखती ही रह जाए, लेकिन दोस्त सपना तो हर कोई देख रहा है लेकिन पूरा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह लेट के सपने देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका सपना केवल सोते सोते पूरा हो जाएगा, जो कि नामुमकिन है। तो दोस्त अभी वक्त है सावधान होने का और संभलने का। अगर तुम्हें यह गलतफहमी है कि तुम सोते सोते अपनी आरामदायक स्थिति में रह के अपने सपनों को पूरा कर लोगे तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी उन कामों को करना होगा जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। तुम्हारा सपना होगा तुम्हें एमएस धोनी की तरह बनना है, विराट कोहली की तरह बनना है। तुम्हें जाना पूरब दिशा में है, तुम बढ़ पश्चिम दिशा में रहे हो, तो क्या तुम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच पाओगे? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके पहुंच पाओगे तो तुम गलत सोच रहे हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और मेरा काम है तुम्हारी गलत फहमी को तोड़ना और तुम्हें सही रास्ते पर लाना। दोस्त एमएस धोनी ने क्या किया था अपनी लाइफ में? क्या केवल बड़ा सपना देखा था? नहीं दोस्त, बड़ा सपना देखा था लेकिन साथ ही साथ उन कामों को भी कर रहा था जो उसको उसके सपनों तक ले जाए। वो चाहता तो अपना जीवन गुजार लेता उसी में, लेकिन उसने अपने सपनों को ज्यादा महत्व दिया। तुम्हारे पास कोई फाउंडेशन तो नहीं होगा धोनी की तरह कि तुम्हारी सरकारी नौकरी है, तुम्हें छोड़ना है, फैमिली का प्रेशर है और कुछ है। लेकिन दोस्त एमएस धोनी ने रिस्क लिया अपनी जिंदगी को बदलने का, डिसीजन लिया ऐसा जो दुनिया वाले स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि क्या पागल बन रहा है, किन चक्करों में पड़ रहा है, इतनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहा है क्रिकेटर बनने, पागल तो नहीं है? क्या आप उसकी जगह होते तो ऐसा करते? आप तो चाहते हो कि मुझे एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए तो भी मेरी लाइफ सेटल है। तो दोस्त कर लो ना लाइफ सेटल, लेकिन तुम्हारा नाम एमएस धोनी की तरह हो नहीं पाएगा। तुम्हें दुनिया जान नहीं पाएगी जो कि तुम्हारा सपना है। दोस्तों एक कहावत कही जाती है ना कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है आप जिसके काबिल हो। तो अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो काबिलियत है, या तुम काबिल बनने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो। एमएस धोनी चाहता तो अपनी सरकारी नौकरी के साथ अपनी जीवन गुजार सकता था, लेकिन उसे कुछ बड़ा करना था, कुछ अलग करना था, और कुछ अलग करने के लिए काबिल भी बनाना जरूरी था। तो उसने अपने आप को काबिल बनाने के लिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए रिस्क लिया। तो दोस्तों इसीलिए ना मैंने कहा कि सपने बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि तुम उस काम को करने के लिए तैयार ना हो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाए। नहीं तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो सपने तो बड़े बड़े देखते हैं लेकिन काम उनका जीरो होता है, और वो लोग अपने सपनों को कभी नहीं पूरा कर पाते। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो निकलो अपने कंफर्ट जोन से और कुछ कर दिखाओ। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं।